यूपी में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने न सिर्फ अखिलेश गठबंधन से अलग होकर एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के भोज में पहुंचे थे, बल्कि उन्हें चुनाव में समर्थन भी दिया था और उनके इसी समर्थन का अब उन्हें बड़ा इनाम मिला है। योगी सरकार ने ओपी राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। माना जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पर ओपी राजभर यूं ही मुखर नहीं थे, उसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह थी जिसका इनाम सरकार ने अब दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी, जिसके बाद लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का तोहफा के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि राजभर इन दिनों सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। योगी सरकार ने ओपी राजभर को सुरक्षा कारणों से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। गुरुवार शाम को शासन से आदेश हुआ और शाम को ही सुरक्षा गाजीपुर पुलिस ने मुहैया करा दी। शासन के इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ मुखर ओपी राजभर को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद उसका फल मिला है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में यूपी में विपक्ष ने जमकर क्रॉस वोटिंग की थी। हालांकि ओपी राजभर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। इसके अलावा शिवपाल यादव ने भी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया था। विपक्ष के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि 3 विधायकों के वोट इनवैलिड घोषित हुए थे। बता दें कि ओपी राजभर बीते कई दिनों से अखिलेश यादव पर हमलावर थे। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो हमें नहीं बुलाया गया। राजभर ने आजमगढ़ उपचुनाव पर भी कई बार कह चुके हैं कि अगर अखिलेश यादव वहां पाते तो हम चुनाव जीत जाते। अखिलेश यादव एसी से निकलकर नॉन एसी में भी काम करने की जरूरत है, जो वो नहीं करते। बीते दिनों वाराणसी में राजभर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अभी हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं, जब अखिलेश यादव मना कर देंगे तो हम दूसरा साथी ढूंढ लेंगे। नहीं और क्या बात हुई, जैसे 12 दिन लगातार हम 45-46-47 डिग्री टेम्परेचर हो गया था आजमगढ़ में। हम 300 नेताओं को लेकर के हम बराबर आजमगढ़ में गांव-गांव हम लोग मीटिंग करते थे। 13-14 डेली मीटिंग हम करते थे, सभी लोग हमारे नेता लगे थे। और संगठन का न होना और नेतृत्व का न होना, अखिलेश जी का न आना चुनाव हारने का कारण बना। हम बार बार कहते थे कि देखिए ये लड़ाई एक आजमगढ़ का नहीं है, इसका मैसेज पूरे देश में होगा, इसी को आधार बनाया जाएगा। तो अखिलेश जी नहीं आए तो हमने इतना खाली कह दिया कि भाई एसी से निकल करके नॉन एसी का भी मजा लेना चाहिए, तो नॉन एसी वाला मजा तो नहीं है लेंगे। ये बात खरी लगी, मतलब उनको नागवार लगा, तो इसने तो गुस्से में आकर के कहा कि आपके वोट की ज़रूरत नहीं है। हम कहे चलो भाई, गुस्सा ठंडा होगा तब फिर ज़रूरत हो जाएगी। हम समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हैं। जिस दिन अखिलेश यादव जी का ऐलान हो जाएगा कि भैया राजभर जी अब आप अपना कहीं जुगाड़ देखो, तो उसी दिन फिर खोजेंगे कोई दूसरा जुगाड़। बता दें कि विधानसभा चुनाव में हार और फिर आजमगढ़ में सपा के धर्मेंद्र यादव की हार से बड़ी हलचल देखने को मिली है। विधानसभा चुनाव से पहले पास आए ओपी राजभर और अखिलेश यादव में दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। माना जा रहा है कि अब सिर्फ गठबंधन से अलग होने की औपचारिकता ही बाकी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।